بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ये आयत नंबर 187 और 188 आपके सामने तिलावत की गई। सिलसिला चल रहा है रमज़ान के महीने का ज़िक्र आया तो यहाँ रोज़ों के ताल्लुक़ से बाज़ अहकाम बताए गए। इरशाद फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम के रोज़ों की रात में तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया गया है अपनी औरतों से ताल्लुक़ रखना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। हुन्ना लिबासुल लकुम वो औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। इस पर गुज़श्ता हफ्ते कुछ रोशनी डाली गई थी कि लिबास इंसान को राहत पहुंचाता है, लिबास इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लिबास इंसान को खूबसूरती अता करता है। इसी तरीक़े से जो अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का लिबास करार दिया और औरत को मर्द का लिबास करार दिया तो उसमें भी ये सब माने होते हैं कि उससे खूबसूरती भी मिलती है और उससे हिफाजत भी मिलती है इंसान को अपने जोड़े से और राहत भी मिलती है और बिल्कुल करीब रहता है वो जिस्म के मुत्तसिल। तो अल्लाह ताला ने जायज़ कर दिया कि रोज़ों की रात में तुम अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रख सकते हो। علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اللہ تعالی کو معلوم ہوا اللہ تعالی کو معلوم ہے انکم کنتم تختانون اللہ نے یہ بات اللہ تعالی کے علم میں ہے انکم کنتم تختانون انفسكم کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالی نے پھر तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमाई और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए। फलाना बाशुरुहुन्ना तो अब हम इजाज़त दे रहे हैं कि रात में तुम अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रखो। वब्तगुमा कतबल्लाहु लकुम और जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औलाद लिखी है वो तलाश करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धागा काले धागे से बिल्कुल मुमताज़ हो जाए फजर सादिक में, फिर रोज़ा रखो और रोज़ा रात तक पूरा करो। पहले ये हुक्म था, ये जब अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि जायज़ कर दिया है रात में अपनी बीवियों से ताल्लुक़ को, पहले शुरू में रोज़ों की फ़र्ज़ियत जब शुरू में हुई मदीना मुनव्वरा में तो जब रात हो जाती इफ्तार कर लेते ग़ुरूब आफ्ताब से तो इशा की नमाज तक खाने पीने की इजाज़त थी कि ईशा की नमाज़ तक
खा पी सकते हो तुम लोग। फिर जब इशा की नमाज़ हो जाए और तुम सो जाओ तो नींद लगने के बाद फिर तुम्हारे लिए खाना पीना जायज़ नहीं, फिर रोज़ा रखो अगले दिन से। तो ये पहले हुक्म था, तो इसमें कुछ लोगों से गलतियां भी हो गई और कुछ लोगों पर कुछ शाख गुज़रा। एक सहाबी आए सिरमा नाम के, वो दिन भर खेत में थे, रात में आए अपनी बीवी के पास तो कहा कि कुछ खाने पीने के लिए लाओ। उस वक्त तैयार नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं लाती हूँ। तो थके हुए थे, उनकी बीवी खाना वाना तैयार कर रही थी, इतने में इनकी नींद लग गई। अब वो खाना लेकर हाजिर हुई, देखा तो सो रहे हैं, तो बड़ा अफसोस किया कि जा सो गया, अब गया काम से, अब खा भी नहीं पाएगा बेचारा। तो बेचारी बीवी को अफसोस हुआ कि क्योंकि नींद लगने के बाद अब खाना पीना उस वक्त ममनू था, तो उनको फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा अगले दिन के रोज़े में। और आता है रिवायात में कि बेहोशी तारी हो गई दिन में उनको, तो और बाद सहाबा से इस तरह से भूल हो गई कि उन्होंने रात में सो जाने के बाद फिर रात में जब नींद खुली तो फिर अपनी बीवी से ताल्लुक़ कर लिया कायम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हमसे गलती हो गई हज़रत, जो मना किया अल्लाह ताला ने कि सोने के बाद तो खाना पीना और अपनी बीवियों से ताल्लुक़ जायज़ नहीं, ये गलतियाँ हो गई हमसे। तो ऐसे ही वाक़ियात के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इजाज़त दे दी गई है, अब इफ्तार हो जाए तो अब रात में तुम लोग खा पी सकते हो और अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सकते हो, अपनी बीवियों के साथ तुम उठ बैठ सकते हो, ताल्लुक़ रख सकते हो और लुत्फ़ ले सकते हो अपनी बीवियों से, ये तुम्हारे लिए इजाज़त है। अल्लाह ताला ने अलिम अल्लाह, अल्लाह ताला के इल्म में है कि तुम लोग अपने आप से खयानत करते थे, यानी गुनाह कर बैठते थे, अल्लाह ताला ने मना किया था उससे तुम उसका इर्तिकाब कर बैठते थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें शर्मिंदगी हुई तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और फिर अल्लाह ने देखा कि ये तुम्हारे लिए दिक्कत का बाइस है तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इजाज़त दे रहा है, फ़लाना बाशिरुहुन्ना, कि आप अपनी बीवियों से रात में तुम मुजामात कर सकते हो रात भर, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो औलाद तुम्हारे मुकद्दर में है वो तलाश करो। असल तो मकसद जो जिंसी ताल्लुक़ का लुत्फ़ लेना भी है और अपनी औलाद को तलाश करना भी है। कुछ लोग तो औलाद को बंद कर देते हैं, औलाद का पैदा होना बंद कर देते हैं, वो तो इस्लाम में उसको पसंद नहीं किया गया है, बल्कि कसरत औलाद मतलूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रखो और जो औलाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है वो तलाश करो उसके नतीजे में। वब्तगु मा कतबल्लाहु लकुम, वकुलु वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, यहाँ तक के काला धागा सफ़ेद धागा और काला धागा मुमताज़ हो जाए फज्र सादिक में। तो इसमें एक वाकिया है लतीफ़ा कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि सफ़ेद धागा अलग हो जाए और काला धागा अलग हो जाए फज्र सादिक से। तो एक सहाबी अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने तकिए के नीचे एक काला धागा रख लिया, एक सफ़ेद धागा रख लिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया खाते पीते रहो जब तक काला धागा और सफ़ेद धागा बिल्कुल क्लियर ना नज़र आ जाए। तो वो देखते और कि अभी तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा है, तो खाते पीते रहते। फिर देखते कि अभी नहीं क्लियर हुआ है, खाते पीते रहते। तो फिर जब सूरज की वो हो गई, रोशनी फैल गई, इसफार हो गया फजर के बाद, तब के हाँ अब तो बिल्कुल अलग अलग नज़र आ गए, तो अब छोड़ दिया उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, वाकया सुनाया तो कहा कि तुम्हारा तो तकिया बड़ा चौड़ा था, मतलब ये है कि तकिया चौड़ा था कि काले धागे से मुराद दिन है, वो है रात, और सफ़ेद धागे से मुराद दिन है। तो दिन
बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सुबह सादिक हो गई है। दिन इब्तिदा कब होती है? जो फजर का वक्त होता है सुबह सादिक, सुबह सादिक होते के साथ ही दिन शुरू हो जाता है। तो वो मुराद है कि वो रोशनी फैलती है मशरिक़ में, एक रोशनी पहले ज़ाहिर होती है नीचे ज़मीन से आसमान की तरफ मशरिक़ में, पूरब में, वो खम्बे की शक्ल में, तो वो फजर काज़िब होती है, उसका एतबार नहीं है, उसमें खाना पीना जायज़ रहता है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद शिमाल जनूब में, यानी अर्ज़न, अब तूलन नहीं, खम्बे की शक्ल में नहीं, बल्कि शमाल जनूब में, दो समतों में, सामने मशरिक़ में, शमाल जनूब में, उत्तर दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण की चौड़ाई में एक रोशनी ज़ाहिर होती है, उसको कहते हैं फजर सादिक। अब तो घड़ी घंटे आ गए हैं, कंप्यूटर से टाइम सब मालूम हो गया है, लेकिन पहले के लोग गांव देहातों में उसी रोशनी से अंदाज़ा लगाते थे। तो अल्लाह ताला ने वो फरमाया कि सफ़ेद धागे से मुराद वो फजर सादिक है और रात वो काला धागा है। तो तुमने अपने तकिए के नीचे दो धागे रख लिए, इसका मतलब रात दिन समा गए तुम्हारे तकिए में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह करके बताया कि कुरान मजीद में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा देते थे। अरब लोगों के यहाँ ये सब बोला जाता था, उनको नहीं समझ में आ सका। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि खाओ पियो हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद, यहाँ तक के सफ़ेद धागा मुमताज़ हो जाए काले धागे से, मिनल फजर, यानी फजर सादिक हो जाए। तुम अतिम सियाम इलल लैल, फिर तुम रात भर रोज़ा रखो, रात दिन भर रात तक रोज़ा रखो, फजर सादिक से लेकर रात जब शुरू हो तब तक। रात कब शुरू होती है? गुरूब आफ्ताब जैसे ही होता है रात शुरू हो जाती है, जैसे फजर सादिक शुरू हुआ दिन शुरू हो गया, तो उस वक्त से रोज़ा शुरू कर दो और गुरूब आफ्ताब तक, ये टाइम है। असल टाइम ये है कि जो फजर सादिक होती है उस वक्त से शुरू होता है। एहतियात के लेना अच्छा है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एहतियात के 10-15 मिनट लेना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। असल तो फजर सादिक है, कोई फजर सादिक तक अगर खाएगा पिएगा तो रोज़ा हो जाएगा, फजर सादिक होते के साथ ही रुक जाए, और जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ तो उसके बाद जो एहतियात के लिए जाते हैं वो ठीक है कि भाई कभी घड़ी में फ़र्क हो जाता है 1-2 मिनट का, तो 1-2 मिनट आपने ले लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन गुरूब आफ्ताब हो गया तो अब आपका रोज़ा पूरा हो गया, आप खा पी सकते हैं। बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है अहब इबादी इलैया अजलहुम फितरन, कि मेरे बंदों में मुझे वो महबूब है बंदा जो जल्दी इफ्तार कर ले। जल्दी का मतलब ये नहीं है और ना आप ये करेंगे अभी तो सूरज बाकी है, तो कहा हदीस में आया है जल्दी इफ्तार कर लेने वाला बंदा बहुत महबूब है, तो आप फट से कर लें जैसे ही दस्तरखान लगे, तो ये मुराद नहीं है। बल्कि मुराद ये है कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए तो फिर उसमें ताखिर ना करे। ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला को जल्दी इफ्तार करना महबूब है? उसमें ये शान ज़ाहिर हो रही है इताअत की। आपने मना किया था, रुके हुए थे, बस आपका हुक्म हमें रोके हुए था, जैसे ही अब आपकी तरफ से इजाज़त हो गई अब हम खाएंगे पी लेंगे, बस अल्लाह ताला आपके हुक्म के पाबंद हैं हम। तो ये है, इसी तरीके से सहरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक सहरी करते थे, हत्ता कि आया कि सहरी की और फिर आपने नमाज पढ़ ली। पूछा सहाबी से कितना फ़र्क रहा होगा कि 50-60 आयतें पढ़े, इतनी देर लगी होगी कि खाना खाने के बाद आपने फिर इतनी देर के बाद 50-60 आयतें पढ़ने में कितना 10-15 मिनट का वक्त लगेगा, उसके बाद आपने फजर की नमाज अदा कर ली। तो अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी कि रात में खाओ पियो, सुबह सादिक से रोज़ा रखो शुरू करो और फिर रोज़े को मुकम्मल करो, फिर रात हो जाए तो फिर तुम इफ्तार की इजाज़त है। वला तुबाशिरूहुन वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम अपनी बीवियों से ना मिलो जबकि मस्जिद में एतिकाफ कर रहे हो। ये अल्लाह ने फरमाया मस्जिद में एतिकाफ कर रहे हो तो बीवियों से ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं है। जो रमज़ान में एतिकाफ होता है 10 दिन का, या अगर कोई आदमी चाहे तो ऐसे भी एतिकाफ कर सकता है कि हम 2-3 दिन का एतिकाफ करेंगे मस्जिद में, तो फिर उसमें जब एतिकाफ कर रहा है कोई 10 दिन का एतिकाफ कर रहा है, अब बीच में उसको इस्तिंजा के लिए घर जाना पड़ रहा है, कहीं नहीं होते हैं, पहले की मस्जिदों में तो इस्तिंजा खाने नहीं होते थे, तो वो घर जाते थे फिर इस्तिंजा करने, उनको इजाज़त थी, तो वहाँ गए तो अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कर लिया, तो ये जायज़ नहीं है।
क्योंकि एतिकाफ में फिर अपनी बीवियों से ताल्लुक रखना जायज़ नहीं होता है। बस जैसे अपना काम इस्तिंजा किया फिर फट से आ जाओ घर में, हत्ता कि कोई बीमार हो तो चलते फिरते उसकी इयादत कर सकते हो, उसके पास बाकायदा बीमार की इयादत करने के लिए नहीं निकलेंगे एतिकाफ में। तो फरमाया वला तुबाशिरूहुन व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि मस्जिद में जब एतिकाफ कर रहे हो तो अपनी बीवियों से फिर ताल्लुक ना रखो। तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबू, ये अल्लाह ने बाउंड्रियाँ बना दी हैं, हद बंदी कर दी है, इसके करीब ना जाओ तुम, और बाउंड्री से आगे बढ़ोगे तो फिर ख़तरा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, करीब भी मत जाओ, गुनाह की बात के करीब भी नहीं जाना चाहिए। एक ये अहम नुक्ता है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया यहाँ इस जगह पर कि हद से ना आगे बढ़ो, उसको हद को ना फलांगो, बल्कि कहा उसके करीब भी ना जाओ। एक हदीस में फरमाया गया इसको कि हलाल भी अल्लाह ने वाजे कर दिया है, हराम भी वाजे कर दिया है, बीच में कुछ बातें ऐसी है जिसमें शुबहा लगता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शुबहे से भी बचेगा, जिसमें शक हो आपको कि कहीं गुनाह तो नहीं है, ये गुनाह तो आपके दिल में खटक रहा है, तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई आदमी शक को शुबहे से बचेगा तो अपना दीन भी बचाएगा, अपनी इज्जत भी बचाएगा, और अगर कोई आदमी शक को शुबहे में पड़ेगा कि अरे चलो जायज़ होगा खा लो अपन तो जायज़ होगा, खटक रहा है हालांकि सीने में कि यार पता नहीं जायज़ है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने खा लिया, तो फरमाया कि वो अपना दीन भी ख़तरे में डालेगा और ओमन वकाफ़ी शुबहात वकाफ़िल हराम, फिर वो करीब करीब हराम में भी पड़ जाएगा। फिर मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक चरवाहा है, वो एक जगह बादशाह ने कह दिया है कि मेरे जानवरों की जगह है, यहाँ कोई नहीं चराएगा, तो अब एहतियात का तकाजा ये है कि उस जगह से उस बाउंड्री से बहुत दूर रखे जानवर, लेकिन कोई चरवाहा अगर कहेगा कि मैं तो अब इसके आसपास चराऊंगा वहाँ नहीं जाऊँगा, तो उसकी बकरी में से कोई सियानी बकरी होगी वहाँ भी मुँह मार देगी, तो करीब ही ना ले जाओ ना भैया अपने जानवरों को, फिर तो फांसी का तख्ते पर चढ़ जाओगे बादशाह के उसमें चरागाह में चले गए तो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जो हराम चीज़ होती है, जैसे डेंजर लिख देते हैं बिजली बिजली का जहाँ वो रहता है पॉइंट बड़ा, वहाँ बहुत पहले से डेंजर लिख देते हैं, यही मिसाल है कि जो अल्लाह ताला के हराम काम हैं उनमें बहुत पहले से एहतियात करना चाहिए आदमी को, जिसमें थोड़ा सा शक भी हो मकरूह हो, मकरूह चीज़ें हैं कि उलमा ने कहा है मिसाल के तौर पर ये मकरूह है, मतलब यानी ज़्यादा नहीं है गुनाह लेकिन थोड़ा सा गुनाह है, खिलाफ अवला है अफजल नहीं है, उससे भी बचना चाहिए। एक ये एक वो है इस्लाम का एक निज़ाम है, जैसे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ नमाज की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने सुन्नतें रखी हैं। सुन्नतें जो हैं वो क्यों हैं, ताकि आदमी पहले से उसके लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर कि अब फ़र्ज़ नमाज आगे आ रही है, तो गोया कि ये इब्तिदा हो गई है, तमहीद हो गई है, तो सुन्नतों से फ़र्ज़ की हिफाजत होती है, और नफल नमाज से सुन्नतों की हिफाजत होती है, कुछ नफली नमाज़ें हैं तहज्जुद इशराक, इनसे सुन्नतों की हिफाजत होती है। अगर कोई आदमी नफली नमाज़ें छोड़ने का आदी हो जाता है सुन्नत छोड़ने लगता है, फिर सुन्नतें जो छोड़ने लगता है फिर फ़र्ज़ छोड़ने लगता है, ऐसे ही हराम से बचने के लिए शुबहे से बचना पड़ता है, और शुबहे से बचने के लिए जो खिलाफ अवला है उनसे बचना पड़ता है। अगर कोई आदमी अफजल के ख़िलाफ़ करता है फिर वो शुबहे में पड़ जाता है, शुबहे पर पढ़ते पढ़ते हराम काम में पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह की हदें हैं, इसके करीब भी ना जाओ। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी वाज़ह निशानियाँ खोल खोल कर बताता है ताकि लोग बचें, लोगों के अंदर तकवा पैदा हो, अल्लाह की बात मानने का जज्बा पैदा हो। وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بتائے ہیں, تمہارے انسانوں کے آپس کے حقوق بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کسی کی بھی زمین جائیداد ضبط کر لی, کسی کا مال ہے تم نے لے لیا, کسی بھی طریقے سے ہڑپ کر لیا, چوری کر لیا, تو کسی کا حق مار دیا, قرض ادا نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ساری جو آپس کے حقوق ہیں وہ ادا کرو, کیونکہ حقوق العباد کا آخرت میں فیصلہ ہوگا, اگر
बंदा हक अदा नहीं कर रहा है और माल खा रहा है किसी का, तो आखिरत में नेकियों से उसको चुकाना पड़ेगा। हदीस शरीफ में है कि दुनिया ही में बराबर कर लो हिसाब, जिसको देना है दे लो, और अगर नहीं दे सकते माफ़ करवा लो, वो उसको राज़ी कर लो, वरना तो आखिरत में ऐसा होगा कि दीनार और दिरहम नहीं मिलेंगे। वहाँ नेकियाँ होंगी, वो साहिब हक खड़ा होगा, आपकी नेकियाँ ले लेगा, और अगर नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हक वाला बाकी होगा, उसके गुनाह आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है, फरमाया कि आपस में माल बातिल तरीके से ना खाओ। आगे फिर पूरी आयत में और बातें हैं, आयत का भी एक टुकड़ा हो पाया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।